अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद हसन और आप लोग सैयद हसन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में बात करूंगा फेयर के हवाले, खौफ के हवाले से, खौफ को ज़िंदगी से कैसे निकालना। देखें, जो खौफ है ना, वो नाकामी की सबसे बड़ी अलामत है। आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, आपके दिल में अगर खौफ है कि मैं अपने उस गोल तक पहुंचने से पहले ही घबरा जाऊंगा, डर जाऊंगा, इरादा किया नहीं है, पहले ही दिल में अजीबोगरीब वहम चल रहे हैं, सोचें चल रही हैं कि यार मैं कैसे करूंगा, मेरे से कैसे होगा, इस चीज़ पे हम बात करें। लेकिन सबसे पहले तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत लाजमी है कि फेयर किस टाइप का है। क्या आप अपने गोल्स में अचीव नहीं कर पाए, गोल्स अचीव नहीं कर पाए, क्या अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें किसी काम को बहुत सीरियसली कर रहे हैं लेकिन वो हो नहीं रहा, उसमें नाकामी हो रही है, उसमें खौफ है कि अगर मैंने ये कर भी लिया तो मुझे इसमें फेलियर होगा। ये इम्पोर्टेंट है। शादी करते हैं, शादी का बड़ा होता है कि ये लाइफ जो है वो अच्छी गुजरे और किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हमारे आगे ना आए, हस्बैंड वाइफ कि रिलेशनशिप नहीं चलता है, एक किसी भी तरह का खौफ ना हो, बगैर खौफ की ज़िंदगी चले। देखिए, खौफ जो है ना वो एक हद तक अच्छा है, पॉजिटिव वे में फेयर बहुत अच्छा है। उससे क्या होता है कि आपकी जो बाउंड्रीज है ना फेयर की, खौफ की एक बाउंड्रीज है हमारी सोसाइटी में, उन बाउंड्रीज को के अंदर रहते हुए आप अपनी जो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको बेहतर कर सकते हैं, आप अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, आप अपना सेल्फ इम्प्रूव कर सकते हैं, खुद को बेहतर कर सकते हैं। आप अगर स्टूडेंट हैं, आपको टीचर का खौफ है कि जी टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है और मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो आपके अंदर एक उस्ताद का खौफ होगा कि मैंने अपने आप को बेहतर कर दिया। एक हस्बैंड है, वह आपको अगर देर से आता है, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता है, तो बीवी अगर थोड़ी गुस्से वाली है तो पता होगा कि भी घर देर से आया तो छटोल भी होगी मेरी, ठीक है ना, उसे पूछा जाएगा कि हाँ भी कहाँ गए थे। बच्चे घर देर से अगर आते हैं, फ्रेंड्स के टाइम साथ टाइम स्पेंड करते हैं, ग्रुप स्टडी करते हैं, फादर या मदर घर पर आके पूछते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है, इसको पॉजिटिव वे में भी लेना चाहिए। लेकिन एक नेगेटिव जो फेयर है वो ये है कि अगर आप अपनी लाइफ में कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, ज़िंदगी में किसी मकाम पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन आप घबरा रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, आपके दिल और दिमाग में हर तरह के वसवसे पैदा हो रहे हैं, मुख्तलिफ मामलात में आप फंस रहे हैं, बिला वजह की टेंशन आप ले रहे हैं, एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। देखिए, जो फेयर है ना उसका सबसे बड़ा जो फैक्ट है वो आपकी मेंटल हेल्थ पे करता है। ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी होगी कि फेयर का जो इफेक्ट है, जो उसके साइड इफेक्ट हैं, वो मेंटल हेल्थ पे करते हैं। और छोटे जो बच्चे हैं, जो 8 साल के हैं, जो 3 साल के हैं या जो 2 साल के हैं, उनके ऊपर फेयर की अलामत कैसे होती है? हमारी सोसाइटी में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके वालदैन उन पर जुल्म करते हैं, उनको मारते पीटते हैं, उनके रिश्तेदार उनको मारते पीटते, बचपन से ही उनके अंदर एक खौफ पैदा हो जाता है, वो स्ट्रेंजर्स से मिलने में घबराते हैं, वो अजनबियों के पास जाने से घबराते हैं। फिर इसी तरह जो लोग रिजर्व रहते हैं, जो अकेले रहते हैं, जो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, उनमें भी जो खौफ है उसकी कैफियत मालूम होती है। वो कैसे? बहुत से लोगों को आपने देखा होगा जो रिजर्व रहते हैं, उनमें होता क्या है कि पर्सनैलिटी ग्रूमिंग ऐसी हुई होती है कि जब वो ज़्यादा गैदरिंग में जाते हैं तो उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, उनकी कम्युनिकेशन स्किल नहीं अच्छी होती, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता, वो लोगों से बात करने से घबराते हैं, वो मैरिड्स जो कपल्स होते हैं उनके साथ ज़्यादा नहीं बैठते, वो उनका फ्रेंड सर्कल बहुत लिमिटेड होता है। इस तरह से जो फेयर की सिम्टम्स हैं वो हैं काफ़ी ज़्यादा। फिर हमारे यहाँ बुज़ुर्गों के काफ़ी जो है ना वो दबदबे छोटों के ऊपर, बुज़ुर्गों की इज्जत भी है लेकिन उनके दबदबे भी हैं। एक बड़ा सरबराह जो है, अगर उसकी वो पावर में
उसकी अथॉरिटी चलती है तो छोटा जो है उसके आगे बोल नहीं सकता, सारी जिंदगी बस उसके जो हुक्म होगा ना उसकी तामील करता रहेगा कि अब्बा जी ने ये कह दिया, अम्मा जी ने ये कह दिया, दादू ने ये कह दिया, चाचू ने ये कह दिया, इतनी जायदाद तकसीम हो गई, ये हो गया, वो हो गया। वो हर वक्त अपने रोने होता रहेगा। पैर का सबसे बड़ा जो नुकसान है ना वो ये है कि आप अपने रोने होते रहेंगे कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया। ऊंचाई से लोगों को बहुत फेयर होता है, कॉफ होता है कि ऊंचाई पे नहीं जाना। तो इस तरह फेयर के बहुत सारे नुकसान आते हैं। फायदे मैंने आपको बताए, फायदे ये हैं कि आप अपनी बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए अपनी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको बेहतर कर सकते हैं, आप अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट बेहतर कर सकते हैं, आप अच्छे सेल्फ लर्नर हो सकते हैं। अगर आपके अंदर हंगर है, आपके अंदर एक फेयर है कि यार मैंने ये करना है, मैंने ये ना किया तो मेरे साथ ये होगी, इसको पॉजिटिव वे में लें, इसको नेगेटिव वे में भी लिया जा सकता है, लेकिन हमने इसको पॉजिटिव वे में डिस्क्राइब करना है कि फेयर के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, जो इसके इम्पैक्ट्स हैं वो क्या है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं हूँ समाज, इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।